मालकिन मालकिन सब कुछ तबाह हो गवा, तबाह हो गवा सब कुछ मालकिन। ये सब हुआ कैसे, किसने मचाई तबाही? मालकिन गुंडुप्पा स्वामी का आदमी आए रहे और सारे मजूरन के जानवर की तरह पीट के चले गए मालकिन, और ये धमकी दे गए कि अगर कोनो मजूर आपके साथ काम करेगा तो ओकरे साथ ओकरे सारे खानदान का सत्यानाशी होगा। उसकी इतनी हिम्मत, क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? कानून है नहीं, ता हम पैदा हुआ कानून मर गया, हमारा घर का तिजोरी उसे काट 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 कर खा गया। मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या हक है मेरे मजदूरों पर जुल्म करने का? ची 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 नारे भगवान सैदाल ने पाम खड़े पाए सर, हम महात्मा गांधी का भगत अहिंसा का पुजारी, लेकिन हमारा आदमी लोग बहुत आरामी साला, हम उनको बोला कि तुम्हारा मजदूर लोग को हल्लू 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 प्यारे से मारो, लेकिन वो बहुत आरामी, वो तुम्हारा मजदूर लोग का बहुत जोर से मारा, किसी का टकला फूटा किसी का टंगरी टूटा, हमको आंख से टप टप पानी आया जी, इस वास्ते हम इधर तुम्हारे पास सेटलमेंट करने को आया जी। तुम सेटलमेंट करने नहीं, जबरदस्ती का सौदा करके मुझसे टकराने आए? टकराने का काम गेंडे का बैल का सांड का कुंडप्पा स्वामी का नहीं जी, हम सबको बड़े प्यार से सर 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 कह के पुकारा था जी, लेकिन हमारा सर का बात किसी के सर में नहीं घुसता, तुम्हारा आदमी लोग उसका सर को काट डालता। धमकी देने आई हो? हम देने को नहीं जी, हम देने को आया तुम्हारा फैक्ट्री और जमीन। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती पर उतरा अपनी धमकी अपने साथ लेकर निकल जाओ यहाँ से। अम्मा अम्मा हम तुम्हारा घर का सीढ़े पीढ़ी पीते पीते उतरता, लेकिन हम जब चढ़ेंगे ना तो बहुत लपड़ा लेकर चढ़ेंगा, फिर तुमको बहुत भारी पड़ेगा जी, बहुत भारी हम जाता। बेटी ये तुमने क्या किया बेटे, ये कुंडप्पा तो बड़ा नीच बड़ा कमीना आदमी है, मुझे तो फिक्र है कि कहीं वो। हर टेढ़े आदमी को सीधा करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, और फिर जुल्म और धमकियों से फैक्ट्री बंद नहीं होती। डैडी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। बेटे ये लोग काम करेंगे तो गुंडप्पा स्वामी के गुंडे इन्हें मार देंगे, और नहीं करेंगे तो भूख इन्हें मार देगी, ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। तो क्या हम अपनी जमीन अपनी फैक्ट्री गुंडप्पा स्वामी को कचरे के दाम बेच दें? और कोई रास्ता भी तो नहीं बेटे? अरे रास्ता रंगिया करे है मालिक, रंगिया करे। एक बार वो मानुष गांव में आया ना, मत गुंडा लोग इस गांव का रास्ता भूल जाएगा। कौन है वो? अरे लय डेंजर मानुष है, उसका एक फटका मंजे हजार वोल्ट का झटका। तो बुला लो उसको। अरे मालकिन जंगल का शेर जैसे मटन का बास सुनकर आता है ना, वैसे अपना ये शेर नोटों का बास सुनकर आता है। नोटों की परवाह मत करो गंगिया, कीमत जितनी वो चाहेगा और काम जो हम चाहेंगे। फेल, कसूरी आखिर यो बताए गई। इसमें तो अपने पहलवान होना च मांगता है। एक एक करके सारी बस गांव में उतर गई, लेकिन वो तुहार ससुर का नाती पहलवा नहीं आवा। ए मेरे को चिल्लाने का नहीं, चुप। मैं तेरे को पहले ही बोला था ना, जैसे मच्छी फंसाने के लिए चारा जास्ती डालते हैं, वैसे इसको बुलाने के लिए माल पानी जास्ती भेजने बनता है कि नहीं? तुम कंजूसी किया ना? मालकिन बोला जास्ती भेज तुम कमती भेजा, तेरे को ऐसे ही मनता है आया नहीं, अच्छा हुआ। चला तो घर जाऊ नहीं सब ले खाउन खाउन मोटे जाले कहीं तेरी बाहर आला।
बाप रे बाप, ये आदमी है या पैजामा, पूरे बस में बास ही बास। लगता है ये बस नहीं जा रही बल्कि दारू जा रही है। उफ, हैरान कर दिया। चल बाला चल। अरे मुनीम, ये जो अपना पहलवान है, ये जो अपना अवतार, ससुर अवतार है। जौन ससुर अपने आप को नहीं संभार सकता, वो गांव को कहां संभालेगा, वो गुंडम से कहां टकराएगा। चुप। अरे तुला का है माहिती? अरे शेर जब उठता है ना तो अखा जंगल को संभाल लेता है, ये मेरा शेर जब उठेगा ना तो अखा गांव को संभाल लेगा। आई आई हो, यह किधर का शेर है जी? हमको तो ये शक्ल से इधर लगता। आया आया आया, इधर भी नहीं जी। गांव का कीचड़ जी ना, इन आदमी लोग का थोड़ा सा खोपड़ी तोड़ना और थोड़ा सा अट्टी तोड़ना और बाद में इस कीचड़ को कटर में फेंक देना चाहिए। स्टार्ट। तुम हमको पिटवाया। चटनी डाली, दारू उतर गया, अनकिन पैसे दे। अरे मुनीम, जब तक ये कोमड़ा नहीं बोलेगा ना तब तक अपने को मार खाना च पड़ेगा। जब ये मुर्गा बोलेगा ना तभी जब अपना पहलवान उठेगा। बोल, अरे बोल बाबा, बोल लौकर बोल। मार गो वाट लगली। बोल एक मिनट। अबे तू फिर आ गया, वो भी अकेला। गलत बात, तूने बचपन में वो कहानी नहीं सुनी? एक लकड़ी तोड़ो टूट जाती है, एक साथ तोड़ो नहीं टूटती। तुम सब मिलकर छह हो, अगर एक साथ आओ तो अपुन खलास। फाइटिंग का असूल नंबर एक, दुश्मन पर कभी विश्वास मत करो। तुम दुश्मन पर विश्वास किया, तुम लोग का चांस गया। अब ये अपुन का चांस मतलब तुम लोग खलास। रुक जा, ये रुमाल तेरे। सब लोग खलास। आये हो, हम इसको गीदड़ बोला, लेख लिए तो गीदड़ का काल में चुपेला शहर निकला। अवतार? अरे ए अवतार, अरे उठा भैया, तोहरी ड्यूटी का बखत कोई गवाह है। अरे तेरे ड्यूटी को लंगोटी मारू, खुर्दा धोती आ गया तू। अरे वो तो दिलदार स्वामी मुझे मिल गया, इसलिए अवतार यहाँ रुक गया। अरे देखा मालकिन तो से मिले आए। हाँ। कौन मालकिन यार, कौन? नमस्ते। अवतार, इस गांव
गांव में उतरते ही तुमने यहाँ के गुंडों का जो स्वागत किया है, वाकई हम तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी हिम्मत देकर मजदूरों में भी हिम्मत आ गई है, वो काम पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अकेले नहीं रहे, हमारा साथ देने वाला हमारा कोई साथी आ गया है। ऑल द बेस्ट, बाय।